दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो घर घर देखने के लिए मिल रहा है। कहीं देखते होंगे कि बिना उनका एज भी नहीं है, एज जो मरने का जो समय होता है उस अवस्था में अभी पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही उनका मृत्यु हो गया। पता चला उनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनका मृत्यु हो गया। तो वही सब कारण जानेंगे कि हार्ट अटैक हो क्यों रहा है। और ये चीज़ भी आप लोग देखे होंगे कि हार्ट अटैक है वो गांव वाले लोगों को बहुत कम हो रहा है, तो गांव में जो रहते हैं उनके साथ बहुत कम हो रहा है, लेकिन जो वही शहर में रह रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आए दिन देखने के लिए मिल रहा है। तो बस इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में यही बताएंगे कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है। और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कोरोना के कारण हार्ट अटैक, मतलब कि COVID-19 के वैक्सीन लेने के बाद ये चीज़ बढ़ गया है। तो इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जिनको हार्ट अटैक फर्स्ट बार आया है, सेकंड बार आया है, थर्ड बार आया है, उनको कैसे बचाव किया जा सके, और जो अभी हेल्दी लोग हैं जिनको कुछ कभी नहीं हुआ है वो भी अपना किस तरीके से बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जानकारी आपको पूरा देंगे। तो गांव के जो लोग हुआ करते थे पहले, जो पहले के लोग, वो जितने भी खाना पीना उनका जो रहना सहना वो सब कुछ ऑर्गेनिक था। किस कारण? इस कारण से ऑर्गेनिक था क्योंकि वो सुबह उठते ही मुंह जो था वो दतमन से धोते थे। घर में जो भी नेचुरली वे के तरह वो नहाना, उनका रहना, उनका सारा चीज नेचुरल वे में होता था। लेकिन अगर अभी आप उठा करके देख लीजिएगा, तो आप अगर बाहर रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रोजी रोजगार के कारण बाहर जाते हैं, मतलब जॉब के कारण उनको बाहर जाना पड़ता है, विथ अपने जाते हैं साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी लेकर जाते हैं। तो अब लोग गांव से ज्यादातर जो लोग हैं वो शहर में आ गए हैं। अब हो रहा है हार्ट अटैक का कारण क्या कि शहर में अब अगर आते हैं तो वहां पे बहुत सारे खान पान नया नया डिश साल बाई साल ऐड हो रहा है, और वो डिश में सादा देखते होंगे कि कहीं बटर यूज कर रहा है आधा के जी, कहीं 1 KG बटर यूज कर रहा है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वो देखिए एक बार। और ये रहा भाई पराठे का डो, अच्छा इसके अंदर मक्खन है। और ये जो आपने ये है तो हमारे कारीगरी शुरू होने जा रही है, मुगलई पराठा स्पेशलिटी के नाम से आता है, 120 रुपए KG। क्या बात है, मजा आ गया भाई देखने में। भाई इतना बड़ा बनाने के लिए बहुत स्पेशल स्किल टूटा नहीं है, एकदम परफेक्ट शेप आया। वही क्यों कर रहे हैं? अच्छा से तो व्हाइट कर कैमरे को। ये आ गया भाई पराठा वाले, ऑयल भाई मुगलई पराठा आ चुका है। ये भाई पराठे ने अपना कलर चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से पक जाए। ये भाई हमारा मुगलई पराठा हो चुका है, ये हमारा पराठा आ चुका है शाही मुगलाई। ये देखिए जैसे ये भी हम ले रहे हैं, ये पराठा आया, ये उसके ऊपर हलवा भाई क्या कैसे फ्राई कर दिया भैया ने। देख ली इस वीडियो में, देख रहे होंगे इस वीडियो में कि कितना सारा ऑयल यूज किया जा रहा है, और ऑयल है जो कि जला हुआ ऑयल है, मतलब कि एक बार यूज हो चुका है उसको दोबारा यूज किया जा रहा है। अभी हो क्या रहा है प्रॉब्लम, मेनली जो लोग हैं उनको ये खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जैसे उनका अगर बॉडी अगर हेल्दी है तो खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में लीवर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, फैट को लीवर का काम रहता है, लीवर जो रहता है फैट को हटाने का काम करता है, मतलब बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। हम जो खाना खाते हैं, जो फैट लेते हैं, जो ऑयल लेते हैं, उसमें भी दो तरह का ऑयल होता है, एक होता है गुड ऑयल, एक होता है बैड ऑयल। जिसको बोलते हैं गुड ऑयल को बोलते हैं हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बस ज्यादा मत जानिए, HDL के नाम से जानिए। HDL जो रहता है वो एक तरह से ऑयल है, ऑयल भी दो तरीके के रहता है, गुड और बैड। HDL जो रहता है वो हमारे बॉडी के जो हमारे खून की जो नलियां होती हैं उसका शेप बनाने का काम करता है, मतलब उसका आकार बनाने का काम करता है। तो गुड ऑयल का शरीर में जरूरत है, अगर नहीं रहेगा कहीं भी कट कट छट लगा तुरंत तो वहां से खून निकलने लगेगा, प्रॉब्लम ये होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो गुड ऑयल का जरूरत रहता है हार्ट को भी, कि हार्ट को अगर गुड ऑयल नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप ही नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट को ग्लूकोज और फैट का जरूरत नहीं रहता है, हार्ट जो रहता है वो फैट से ही, मतलब कि फैटी एसिड से ही उनका काम धंधा चलता है, मतलब इतना सिंपल वे में जानिए। अब देखिए गुड ऑयल और बैड ऑयल क्या होता है, गुड ऑयल बता दिए, HDL को बोलते हैं, LDL होता है, LDL जो आप अभी वाई
आप 6 महीने साल भर तक अगर कंटिन्यूअस वैसे ही वाइल पे खा रहे हैं, और वाइल जो कि है जिसको एक बार से लेके 10 बार तक यूज किया जाता है, जो कि उसका प्रॉपर्टी कार्सिनोजेनिक हो जाता है। कार्सिनोजेनिक मतलब बताएं कैंसर। कैंसर भी इस कारण से रहता है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल रहता है। फ्री रेडिकल हम लोग बहुत सारे विटामिन लेते हैं, खाना में ही जो रहता है वो विटामिन मिलता है, वो फ्री रेडिकल को खत्म करने का काम करता है। लेकिन आप अगर ये वाइल अगर लेते हैं जला हुआ, तो ये फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में है उसका जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है, शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ जाता है। फ्री रेडिकल देखिए काम क्या करता है, फ्री रेडिकल आपके शरीर में कहीं भी जाकर के कैंसर कर सकता है, कोई भी ऑर्गेन में जाकर। तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जितना कम रहे उतना ही माना जाता है कि बॉडी के लिए अच्छा रहता है, फ्री रेडिकल बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये तो पहला वाइल एक कार्सिनोजेनिक है। साथ साथ आपके जो खून की नलियां होती हैं उसमें ब्लॉकेज करने का भी काम करता है, क्योंकि मान के चलिए खून का नली का शेप मान के चलिए नॉर्मल है, ये है खून की नली का शेप, और इसमें अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इतना दूर तक मान के चलिए आपका फैट, ये जो है यहाँ पे अगर आपके मान के चलिए आकर के देखिए यहाँ पे आपका खून का नली है, अगर आपके मान के चलिए यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज मतलब कि मान के चलिए आप वाइल ले रहे हैं, वाइल भी रहता है वो, आप अगर लो टेम्परेचर में जाते हैं तो देखिएगा आपके ठंडी में ही ज्यादा हार्ट अटैक होता है। तो ठंडी में क्या रहता है, वाइल कहीं भी जमा हो जाता है, मान के चलिए आपके शरीर में जाकर के वाइल कहीं पे एक सरफेस पे जाके हार्ट के सरफेस हार्ट के लेवल पे जाकर के आपके यहाँ पे जमा हो गया। तो जो मान के चलिए नॉर्मल ए है, इससे जितना स्पीड से खून मतलब गुजरता है फ्लो करता है वो आपको यहाँ पे फ्लो करने में मतलब धीरे धीरे फ्लो करेगा। अब हार्ट है क्या कि हार्ट वाइटल ऑर्गेन है, अब वहां पे ब्लड अगर सप्लाई अगर कम जाता है मेनली हार्ट अटैक इस कारण से देखने के लिए मिलता है। तो हार्ट अटैक का कारण ये भी है, साथ साथ बॉडी वेट भी माना जाता है कि हार्ट अटैक के लिए बहुत ज्यादा है। तो आप अपने जितना भी हाइट है आपका हाइट उसके अकॉर्डिंग आपका BMI होता है, आप उससे आप अपना हाइट और वेट के अकॉर्डिंग का BMI देख लीजिए कितना आपका हाइट है। आप कोई भी जाकर के न्यूट्रिशनिस्ट मतलब आपके नियर बाई कोई हॉस्पिटल है या नियर बाई क्लिनिक है जो कि न्यूट्रिशन वाले रहते हैं, वो आपको BMI कैलकुलेट करके बता देंगे। BMI अपना मेंटेन रखिए, वेट मेंटेन रखिएगा, BMI मेंटेन। वेट हो गया, आप अगर वाइल अगर कम ले रहे हैं, साथ साथ अपने बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है बॉडी में, उसको आप ब्लड पैथोलॉजिस्ट से मिलिए और देख लीजिए, आप अपना रेगुलर चेकअप करवाइए। जिनको अगर मान के चलिए हार्ट अटैक पहले आ चुका है या जिनको चेस्ट पेन वगैरह होता है वो भी ये चीज करवा सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड में आपको जितना में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको आपको बता देता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल बॉडी में करके रखना है। और साथ साथ जितने भी आप ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं उसको आप कम कर दीजिए। मान के चलिए जिनको पहली बार अटैक आ चुका है, अटैक में होता है क्या है, अटैक मान के चलिए आपका हार्ट है, हार्ट में पूरा आपका जो आपका अटैक नहीं आया, एक भी अटैक नहीं आया, तो आपका हार्ट हेल्दी है, तो पूरा तरीके से हेल्दी है, तो उसमें एक भी ये नहीं है। लेकिन आपका पहली बार अटैक आता है, अटैक आने के बाद होता क्या है कि जितने भी पार्ट में पहली बार आया तो एक पार्ट को नेक्रोसिस कर दिया। नेक्रोसिस मतलब हो गया आपका फर्स्ट अटैक आया इतना दूर का नेक्रोसिस मतलब इतना दूर का जो सेल है वो आपका डैमेज हो गया, खत्म हो गया। दूसरा अटैक आया तो मान के चलिए इतना ही दूर का सेल है जो कि डैमेज हो गया। तीसरा अटैक हो आने के बाद जो हार्ट जो मसल्स रहता है वो पूरे तरीके से पूरा सेल्स उसका डैमेज हो जाता है, मतलब कि पूरा उसका सेल खत्म हो जाता है। तो ये आपको समझ के रखना चाहिए। और जो लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए एडवाइस है, और ये भी एडवाइस है किस तरीके से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक से पहले पहला बचने का ये है कि आप अपने बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करने का काम कीजिए। ट्राइग्लिसराइड मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो का जो सोर्स है, ओनली कोलेस्ट्रॉल का सोर्स आप देखते होंगे पामोलिन ऑयल है, बटर है जो कि अमूल बटर लोग खाते हैं, उसको लिमिटेड खाइए। फैट है उसमें, गुड फैट है, लेकिन आप अगर उसको लेवल से ज्यादा अगर आप लीजिएगा तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा चीज है,
आप अपने जितने भी वाइटल है उसको मेंटेन करके रखिए। तीसरा है कि आप कहीं भी रहें, जो हार्ट के पेशेंट है वो सॉर्बिट्रेट नाम का एक टैबलेट आता है। सॉर्बिट्रेट का काम क्या रहता है कि वो आपका जो खून है वो पतला करने का काम करता है। खून पतला होगा तो वहां से फ्लो, आप फिर वेट मेंटेन कीजिए। आपका अगर वेट ज्यादा हो रहा है, हेवी वेट हो रहे हैं, आप ओबीज में जा रहे हैं, तो आप अपना वेट मेंटेन कीजिए। साथ साथ आप जितने भी बाहर का फूड ऑयल जो खाते हैं उसको कंट्रोल कीजिए। उसके जगह पे आप फ्रूट ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे रेसिपीज हैं जो कि बता रखे हैं अलग चैनल वाले लोग, वो रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सजेशन भी आपको दे रखे हैं। तो आपको अगर इस चीज को अगर जानना है कि क्या क्या सही रहेगा, क्या क्या खाना चाहिए हार्ट वाले पेशेंट को, तो हम इस चैनल पे आपको वो भी वीडियो डाल देंगे कि किस चीज से रिलेटेड आपको खाना है जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब ये जान जाइए कि वेट आपका मेंटेन हो गया, साथ साथ आप अपना लिविंग स्टाइल चेंज कर दीजिए। सुबह में आप हो सके तो एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया। स्ट्रेचिंग आप करते हैं तो बॉडी में जितने भी ब्लड फ्लो है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ये चीज हो गया, और साथ साथ हो गया इतना, अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि COVID-19 के बाद, कोरोना होने के बाद इतना लोग हार्ट अटैक से ये हो रहे हैं। COVID-19 आने के बाद अलग अलग डिशेस। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ नए चीज लेकर के आएंगे जो कि आपके बॉडी और आपके लिविंग